नमस्कार, आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है एक मूवी का ट्रेलर और काफी ज्यादा सजेशन हमें इसकी मिल रही थी और टाइटल है भूज द प्राइड ऑफ इंडिया। वेल, अगर बात करें इसकी डायरेक्शन की तो इसको डायरेक्ट किया है अभिषेक ने, और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, कुमार मंगत, बनी एंड अभिषेक, और स्टार कास्ट में है, काफी बड़ी भी है। और सबसे पहले हम नाम लेंगे अजय देवगन सर का, फिर उसके बाद संजय दत्त सर है, शरद कलकार है, फिर उसके बाद नक्षी सेहना है, एमी विर्क है, प्रणीता है, नोरा फतेह है। इन काफी अच्छी स्टार कास्ट है। और आई थिंक मैं नोरा फतेह की ये सेकंड मूवी देखने जाऊंगी, मतलब के देखेंगी। हाँ, exactly, क्योंकि इससे पहले मैंने एक मूवी कौन सी वाली देखी थी, मुझे नाम भूल गया। एनीवे गाइस, देख लेते हैं ये ट्रेलर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर के फॉलो करेंगे चैनल को, उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर के फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। एयरबेस पर पाकिस्तानी वायुसेना ने जोरदार हमला करके रनवे और एयरबेस दोनों तोड़ दिए। हमने चुने कुछ एयरबेस के रास्ते, पाकिस्तानी सेना को रोकने का कोई तो रास्ता होगा। एक ही रास्ता है, मराठा सिर्फ तो ये बात जानता है, मारना या मरना। कबीरा, क्यों जंग का ऐलान है? आज खुदा खुद परेशान। भगवान कृष्ण ने कहा है, किसी की जान बचाने के लिए की गई हिंसा धर्म है। आओ हम सब मिलकर खुद से वादा करें। बात से पंगा। विक्रम सर टेक ऑफ करने वाले हैं। तो पाकिस्तानी सेना 100 टैंकों की रेजिमेंट के साथ 1800 सैनिक लेकर रात 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान का परचम। अब कच्छ और भुज की सुरक्षा आप ही के हाथों में। हमें अपनी पोजीशंस चेंज करनी है। ताजमहल प्यार की निशानी है। तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। जब तक भुज एयरफील्ड पर विजय कारने रनवे रिपेयर नहीं कर लेते, तब तक हमें दुश्मन को रोकना होगा। या खुदा, तेरी अदालत में मेरी एक जमानत रखना। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे हिंदुस्तान को सलामत रखना। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। आज इसी हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है, और अगर जरूरत पड़ी तो बलिदान देना है। जिस दिन लड़ाई जीतूंगा उसी दिन पगड़ी पहनूंगा। भारत माता की जय। मेरे मरने का मातम मत करना, मैंने खुद ये शहादत चुनी है। मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही। बात करें अगर आज इस ट्रेलर की, तो जिस तरह एक स्टार्टिंग हुई है, जो एक VFX इफेक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत अच्छे थे। well, मैं कहूंगी ये काफी सारे इसमें ग्राफिक्स यूज किए गए हैं और बहुत अच्छे इफेक्ट्स दिए गए हैं। और जो एक टॉपिक है मूवी का, बेसिकली मतलब वो तो हम सबको ये पता है कि 1971 की जो वॉर थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बेसिकली उसके जितने भी हम कहेंगे कि उस दौरान में जो चीजें हुई उनमें से हम कहेंगे कि एक स्टोरी हमारी बिल्कुल, और बिल्कुल बहुत फेमस
ऐसा है कि फॉल ऑफ ढाका जो है वो हुआ था 1971 की वॉर में, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो हमें नहीं मालूम, जो हमें सोशल मीडिया पे ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं या मूवीज बनती हैं फिर उनके थ्रू हमें मालूम पड़ता है। और अगर इस वाकये की बात करें तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि इस पाकिस्तान का तो मालूम था कि उस टाइम पे तो वॉर छिड़ी थी, लेकिन अगर मैं वेस्ट पाकिस्तान की बात करूँ जहाँ पे अब पाकिस्तान है, इस साइड का मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे भी वॉर हुई है, क्योंकि मैंने यही सुना था हमेशा कि इस साइड पे कोई छेड़खानी नहीं हुई थी, जो भी हो रहा था वो बंगाल वाली साइड पे हो रहा था। लेकिन मैं कहूँगी थैंक्स टू मूवीज के, उनकी वजह से हमें बहुत सारी चीजों का पता चलता है। हालांकि डिस्क्लेमर जो पहले मतलब वीडियो ट्रेलर स्टार्ट होने से पहले दिया भी गया, वो भी हम लोगों ने बाद में डिटेल में भी पढ़ा, लेकिन ये कि मतलब जो हम लोगों ने फिर विकिपीडिया में पढ़ा इसके बारे में कि जो 300 महिलाएं थी जब मतलब एक एयर स्ट्राइक की गई थी बेस पर भोज पर, और वहां पर जो करीबी गांव था वहां की 300 महिलाओं ने साथ में हेल्प की थी उसको रनवे को दोबारा से रिपेयर करने में और बनाने में। बिल्कुल देख भी रहे थे कि वहां पर आई थिंक बाल्टियां या मट्टी लेकर असल में बेसिकली रनवे को बनाने के लिए उसे दोबारा से यू नो इट्स कंडीशन में लाने के लिए वहां से प्लेन जो है वो लेकर जाया जा सके, उसके लिए मेहनत दिखाई गई है। लेकिन अगर मैं बाकी सबकी एक्टिंग की बात करूँ, शरद की बात करें, सोनाक्षी जी की बात करें, संजय दत्त सर की बात करें और अजय देवगन सर की बात करें, एक्टिंग बहुत अच्छी है और नो डाउट एक मूवी में जो है खासतौर पर ट्रेलर की बात करें उसमें डायलॉग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डायलॉग थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर एक्टर्स किस तरीके से जान उसमें डालते हैं, मुझे लगता है ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डायलॉग की डिलीवरी के साथ साथ एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है, बॉडी लैंग्वेज और जो ऑडियंस है वो उसे कनेक्ट हो पाए और वो फील कर पाए। आई थिंक जब भी हम कोई मूवी देखते हैं जो कि हम कहेंगे कि इस तरह की एक हम कहेंगे कि वॉर ड्रामा मूवीज होती हैं, अगर हम इनको देखें तो मुझे लगता है कि इसमें म्यूजिक, आपके वीएफएक्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक आपके डायलॉग्स और बैकग्राउंड स्कोर जब जो ये लोगों को पर इफेक्ट डालता है ना बात करने से, आई मीन आप कनेक्टेड फील होते हो समहाउ, आपको लगता है कि आप में जोश भी आ रहा होता है, तो आई थिंक ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक मूवी जब आप देखते हैं ना, बेशक वो किसी भी टॉपिक पे बनी हो, बेशक वो वॉर पे बनी हो या आपके लोकल मसाइल पे बनी हो, जब तक एक एक्टर डायलॉग के साथ उसमें वो एक एक्सप्रेशन ही ना देगा जो व्यूअर्स को उसके साथ कनेक्ट कर सके, वो मूवी देखने का मजा नहीं आता। और मैं अगर यहाँ पे बात करूं अजय देवगन सर की बात की जाए या संजय दत्त सर की बात की जाए, इनकी मूवीज में जो इनके एक स्पेशल लुक्स और एक स्पेशल एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो हमें देखने को मिलते हैं, आपका दिल करता है कि हम देखें। अच्छा वैसे मैं अजय देवगन सर के बारे में ही बात करने लगी थी कि उनकी एक्टिंग वाकई में ऐसी होती है कि मतलब उनके फेस एक्सप्रेशंस ही बोलते हैं सबसे ज्यादा, और वही देखने का मजा आता है। और नोरा फतेही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, मुझे अभी तक याद नहीं आया कि मैंने पहले कौन सी मूवी उनकी देखी थी जिसमें आई थिंक वो, लेकिन वो दिलबर वाली थी शायद मेरे ख्याल में, जिसमें उनका एक रोल था, और अभी इस मूवी में मुझे लग रहा है कि शायद वो मतलब पाकिस्तान में आती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मे बी मतलब होती वो अपनी जॉब पर ही हैं लेकिन वो पाकिस्तान में होती हैं। अभी अगर मैं देखा जाऊं तो इसमें जो है लिखा हुआ है कि उनका नाम हिना रहमान है और वो एज ए स्पाई हैं, तो अब ये नहीं मालूम कि एग्जैक्टली उनका जो है वो बीच में यानी कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, क्योंकि एक ट्रेनिंग तो दिखाई गई है लेकिन ये नहीं बताया गया कि प्रॉपर वो कर क्या रही है। हाँ इसलिए वो ही शेयर करना आई थिंक जहां तक मुझे समझ में आया। और बाकी हम बात करेंगे थोड़ा सा वॉर के बारे में, ये कि जब जंग होती है तो ऑब्वियसली कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तो सबसे पहले चीजें आपको दोनों साइड की पढ़नी भी चाहिए, बिल्कुल एक्सेप्ट करनी चाहिए चीजें, और थर्ड मुझे ऐसा लगता है कि हमें सीखना चाहिए कि जंग करने से कभी किसी को फायदा नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 4 जंगें हुई हैं तो मेरा ख्याल में सोचने वाली बात यह है कि इन जंगों से हम कितना पीछे गए हैं, इनको इनसे किसी को कोई फायदा नहीं होता, तो मुझे लगता है कि ना अब जो लोग हैं उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। वैसे मेरा तो ये ख्याल था कि जब 1965 की जंग
जंग हुई थी ना उसके, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेजर स्केल पर जंग लड़ी गई थी, तो मेरा तो ख्याल है कि उसके बाद ही जो है पाकिस्तान और इंडिया को जो है सीख लेनी चाहिए थी कि अब हमने आगे कैसे चलना है, माजी की गलतियों से हमें क्या सीखना चाहिए, हमें एक दूसरे से कितने फ्रेंडली रिलेशन रखने चाहिए। ये पाकिस्तान को जो दूसरी जंग हुई थी उसके बाद ही सीख जाना चाहिए था, क्योंकि पहली जंग से भी कुछ नहीं हासिल हुआ, दूसरी जंग से भी कुछ हासिल नहीं हुआ, तो उसके बाद जो जंगें हमने लड़ी हैं उससे तो क्या नाम देते हैं मजीद हालात बिगड़े हैं, अच्छे नहीं हुए। और हमारी वैसे यही दुआ है कि इन फ्यूचर हमें कभी ऐसा जो है देखने को ना मिले, क्योंकि मैं लिटरली बात करूं जब हम कभी जंगी जहाज की आवाज सुनते हैं ना दिल कांप जाता है, लिटरली दिल कांप जाता है। लेकिन वैसे मैं भी यही हमेशा बात बोलती हूँ कि कभी जंग नहीं होनी चाहिए, कभी भी किसी भी कंट्री की हमेशा टेबल टॉक्स होनी चाहिए और उसी से सोल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि जो आम आवाम है उनका बहुत नुकसान होता है। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो तो भाग भूग जाते हैं और पता भी नहीं होता, लेकिन जो लोग हैं वो कितना पीछे चले जाते हैं, उनका कितना नुकसान होता है। बहुत सारे ऐसे आज के टाइम में हम लोग मुल्क देख रहे हैं जहां पर जंगे लगी हैं और मुल्क बर्बाद हो चुके हैं, और हमारी यही दुआ है कि जो भी चीजें वो हमेशा सही रहे। बट जाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी हमेशा ये कि हमेशा हम इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि आप चीजें पढ़ें, सीखें और जानें और उसको एक्सेप्ट करके डिस्कस करें, क्योंकि मैंने बहुत मरतबा ये चीज देखी है कि हम सिर्फ इस बेस पर बात नहीं करते कि भाई इंडिया पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान इंडिया के बारे में, मतलब एज ए मैं कॉमन सिटीजन बात कर रही हूँ कि लोग नॉर्मली मेंटालिटी क्या है यहाँ पर लोगों की कि अच्छी बात नहीं हम कर सकते क्योंकि भाई इंडिया हमारा दोस्त नहीं है, इस वजह से दोस्त हमें बनाना पड़ेगा। तो ये चीज है कि मैं बात करती हूँ कि हमें अपना सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा आपकी ट्रेड होगी, आपकी जो है एक कम्युनिकेशन बैरियर जो कि एक बहुत बड़ा पब्लिक में बैरियर है वो खत्म होगा, हालात ऑटोमेटिकली जो है वो नॉर्मल लाइज होना शुरू हो जाएंगे, एक जो लोगों के बीच में डर है, लोग एक दूसरे को बारे में जिस तरह सोचते हैं वो चीजें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। इन शॉर्ट हम ये कहना चाहेंगे कि लोगों को सीख लेनी चाहिए पास से कि जंग करने का कभी कोई फायदा नहीं होता। तो गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हमें इजाजत है, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।